वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज। डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के बारे में। यानी आजकल एसईओ जो करते हैं वो एक मिस्टेक को करते हैं कई बार, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे सेम कीवर्ड को मल्टीपल पेजेस पर डाल देते हैं दोस्तों। इसे ही कीवर्ड कैनिबलाइजेशन कहते हैं। इससे क्या होता है कि सर्च इंजन को ये पता नहीं होता कि कौन से कीवर्ड को किस पेज पे प्रेफर करना है, यानी किस पेज को किस कीवर्ड पर अच्छी रैंक में, हायर रैंक में लाना है। तो यानी इससे क्या होता है, इससे सर्च इंजन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एक ही कीवर्ड मल्टीपल पेजेस पे है तो वो ये डिसाइड करना नहीं कर पाता कि किस पेज को उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर हायर पोजीशन पे लाना है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो में यही हम जानेंगे। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है, और हम और अच्छा, और मैं अच्छी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं ला सकूँ। तो दोस्तों आइए जानते हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या होता है और इसके क्या टाइप्स हैं, और इसको कैसे कीवर्ड कैनिबलाइजेशन कैसे हम बच सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि सेम कीवर्ड मल्टीपल पेजेस जो सर्च इंजन को कन्फ्यूज कर देता है कि किस पेज को किस कीवर्ड पे टॉप पे रखना है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे एक तो हमारी सर्च की इंजन रिजल्ट पे जो रैंकिंग आती है वो हमारी डाउन हो जाती है, और जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमें मिलना चाहिए उस पे भी इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों ये एक नेगेटिव एक्टिविटी है एसईओ की, तो इसको करने से हमें बचना चाहिए। और ऐसे बहुत से एसईओ हैं जो यही काम करते हैं, सेम कीवर्ड को अलग वेब पेज पर रिपीट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो साइट है उसकी रैंकिंग इम्प्रूव होने की बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट उनको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये करने से बचें। और कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं मैं बताने वाला हूँ। इसके मल्टीपल पेजेस विद सेम कंटेंट, यानी कई बार क्या होता है सेम कंटेंट को मल्टीपल पेजेस पे डाल देते हैं, जो कि एक बहुत ही, मतलब अगर आप एसईओ करते हैं तो बहुत ही डेंजर एक्टिविटी है दोस्तों। अगर आप एसईओ करते हैं तो आपको पता होगा कि कंटेंट इज किंग, यानी हर एक पेज पे यूनिक और वैल्यूबल कंटेंट होना ज़रूरी है अगर आप एसईओ में अच्छी रैंक में लाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप सेम कंटेंट को मल्टीपल पेजेस पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज ही चेक करें, अपनी वेबसाइट के कंटेंट को चेक करें, डुप्लीकेट कंटेंट वहाँ फ्रेश और नया कंटेंट डालें, ताकि आपके सर्च इंजन में रैंकिंग भी अच्छी आए और ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आपको मिल सके। और दूसरा टाइप है इसका सिमिलर मेटा डेटा। कई बार क्या एसईओ क्या करते हैं, सेम टाइटल सेम कीवर्ड सेम डिस्क्रिप्शन मल्टीपल पेजेस पर रिपीट कर देते हैं। आई डोंट नो वाई, शायद उनको हर एक पेज के लिए लिखने में दिक्कत होती है या उनको कोई प्रॉब्लम है, वो तो वही कह सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करना है, हर एक पेज के लिए यूनिक टाइटल यूनिक डिस्क्रिप्शन यूनिक कीवर्ड होना चाहिए दोस्तों। तभी आपके एसईओ के जो एफर्ट आप लगा रहे हैं, तभी उस एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा जब आप मल्टीपल पेजेस पे डिफरेंट यानी यूनिक टाइटल कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, कभी भी ये ना करें। और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप कैसे बच सकते हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन से, कि आप कैसे बच सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च। सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, जिसमें आप हर एक पेज के लिए, यानी जो आपका जिस पेज को आप जिस कीवर्ड से टारगेट करना चाहते हैं,
उस पेज के लिए उसी से रेलिवेंट कीवर्ड को आप सर्च करें और उसी कीवर्ड को उसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर्टिकुलर पेजेस पे क्या करें, ऐड कर दें, ताकि जिस पेज को आप रैंक कराना चाहते हैं उस कीवर्ड पर, वही पेज उस कीवर्ड पर रैंक करें, यानी कोई भी ना करें, पर्टिकुलर पेज ही रैंक करें। तो ध्यान रहे, सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करने हैं और आपके पेज के अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड रिसर्च करने हैं, ताकि आप अपने पेज के अकॉर्डिंग कीवर्ड उन पर डाल सकें। नेक्स्ट क्या करना है, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों हर पेज पे यूनिक और वैल्यूबल कंटेंट डालें, जैसे मैंने पहले बताया, यानी सेम कंटेंट मल्टीपल पेजेस पे ना रहे। अगर ऐसा है तो आज ही अपने कंटेंट को चेक करें और यूनिक कंटेंट डालें हर पेज पे, ताकि जो आप मेहनत कर रहे हैं SEO में, जो एफर्ट लगा रहे हैं, उसका सही रिजल्ट आपको मिल सके। अगला नेक्स्ट क्या करना है आपको, मेटा डेटा ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों हर पेज का यूनिक मेटा डेटा, यूनिक टाइटल, यूनिक डिस्क्रिप्शन, यूनिक कीवर्ड हर एक पेज पे डालें, ताकि आपके जिस पेज के ऊपर जो मेटा डेटा पड़ा है, यानी जो आपने मेटा डेटा यूज़ करा है हर एक पेज पर, वही पेज उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक करे सर्च इंजन रिजल्ट पेज में। क्योंकि दोस्तों, ताकि इससे क्या होता है, इससे सर्च इंजन को ये मालूम होता है कि आप किस कीवर्ड के ऊपर किस पेज को रैंक कराना चाहते हैं, और इससे आपको बहुत ट्रैफिक भी मिलता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आपको अच्छा मिलता है। और क्या करना आपको, लास्ट में करना आपको कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग आप अगर आप SEO करते हैं तो आपको पता होगा। दोस्तों अगर आपकी वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस हैं, सेम मल्टीपल पेजेस हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट में कैनोनिकल टैग को ऑप्टिमाइज करना है। इससे क्या होगा, इससे सर्च इंजन को ये मालूम चलेगा, ये पता चलेगा कि आप किस पेज को प्रेफर प्रायोरिटी दे रहे हैं, किस पेज को आप रैंक या इंडेक्स कराना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसी सिचुएशन में अगर आप कैनोनिकल टैग नहीं डालेंगे तो सर्च इंजन को पता नहीं चलेगा कि कौन सा पेज इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो वो कोई भी पेज अपनी इच्छा से कोई भी पेज उठा के वो इंडेक्स कर लेगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। तो आपको कैनोनिकल टैग यूज़ करना है, ताकि सर्च इंजन को ये मालूम हो जाए, ये पता चल जाए कि आपका कौन सा वैल्यूबल पेज है और किस पेज को आप इंडेक्स कराना चाहते हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स, इस चीज़ पे आप ध्यान दें और कीवर्ड कैनिबलाइजेशन से बचें, और हर एक पेज पर यूनिक और वैल्यूबल कंटेंट डालें, ताकि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और जिस गोल को अचीव करना आप चाहते हैं, ताकि वहां तक पहुंच सकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इसको करने से बचें, और क्या क्या तरीके हैं उनके बारे में मैंने बताया कि कैसे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।